स्वागत है आप लोगों का मेरी शेयर में। सो गाइस, आज की वीडियो पे हम प्रमोटर पे चर्चा करने वाले हैं। प्रमोट पे चर्चा के मतलब की बात ये है कि गाइस, आपको बता दूं कि आपको पता है कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 75 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चलेगी। और पब्लिक की होल्डिंग 25% तक की होनी चाहिए मिनिमम। जब इससे ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा एक रिस्क बना रहता है कंपनी के अंदर। तो ऐसी कुछ दो कंपनीज हैं जिसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कम होने वाली है और उनके प्राइस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। गाइस, मैं आपको बता दूं, 3 साल तक का एक होल्डिंग पीरियड दिया होता है, जिसके बाद गवर्नमेंट ने कि 3 साल के अंदर अंदर आपको अपनी जो होल्डिंग है वो 75% के अराउंड करनी है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे आज दो कंपनी में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी गाइस निकल कर आती है आस्क ऑटोमोटिव। आस्क ऑटोमोटिव के बारे में बता दूँ तो आज के दिन 0.90% की गिरावट देखने को मिली। 393 पे स्टॉक प्राइस चल रहा था एंड गाइस 7775 मतलब 7000 करोड़ का पे कह लीजिए इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। गाइस, मैं बता दूं कि 393 पे आज के दिन इसका स्टॉक प्राइस क्लोज हुआ है एंड पिछली 6 मंथ में इसने 35% तक का रिटर्न दिया। और अगर आप देखोगे तो इसने हाई 406 और लो 240 बनाए। इट मीन्स अभी आपको ये थोड़ी ठीक प्राइस पे मिल रही है, थोड़ा बहुत गिरावट इसमें देखने को मिली है। 1 साल में 26% तक का रिटर्न दिया है। और अगर आप ध्यान से दोगे तो मैक्सिमम ये 2023 में आई थी 310 रुपये के प्राइस पर। गाइस, काम क्या करती है आस्क ऑटोमोटिव? एक मेजर प्लेयर है जो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है। ये कंपनी फ्रिक्शन मटेरियल्स, बार्किंग सिस्टम हो गया, एल्युमिनियम डाई कास्टिंग प्रोडक्ट्स हो गया और सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स, ये सब ये बनाती है 2-व्हीलर्स के लिए और 4-व्हीलर्स के लिए, ठीक है, जिसमें ये यूज़ होते हैं पार्ट। कहीं फ्यूचर ग्रोथ देखी जाए तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ग्रोथ से आस्क ऑटोमोटिव को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इनकी ग्रोथ मतलब इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईवी की वजह से। आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स की डिमांड की वजह से, जो डिमांड इनकी बहुत बढ़ रही है, ठीक है, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट में भी डिमांड इंक्रीज होगी, जिससे इनकी शेयर प्राइस, जब इनकी इनकम इंक्रीज होगी, प्रॉफिट मिलेगा, तो इनकी शेयर प्राइस में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। कंपनी कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी को अपग्रेड और इनोवेट करने में इन्वेस्ट कर रही है फ्यूचर की ग्रोथ के लिए एंड एडवांस मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से प्रोडक्ट क्वालिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। गाइस, आस्क ऑटोमोटिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने वाला बहुत एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो उसमें इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अभी 85% देखने को मिलती है प्रमोटर की होल्डिंग। FII की होल्डिंग अब बढ़ गई है एंड DII ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, तो यहाँ पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम करी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जिस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग कम होती है उसको थोड़ा सा लेवल पर लेकर चल सकते हो, लेकिन उसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग और FII की होल्डिंग होना स्ट्रांग बहुत जरूरी है। अब देखो इनके पास रिजर्व कितने हैं, 777 करोड़ के, वहीं बोरिंग भी इसके 346 करोड़ के देखने को मिलते हैं। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स में यहाँ पर धीरे धीरे ग्रोथ ही देखने को मिली है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तो 106 से 176 पे पहुँच गया है। गाइस, अगर मैं इसके क्वार्टरली नंबर की बात करूँ तो क्वार्टरली नंबर में एनुअल ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है एंड क्वार्टरली भी आप दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो रिवेन्यू काफ़ी अच्छा निकल गया एंड प्रॉफिट में थोड़ा सा आप ये कह सकते हो प्रॉफिट में थोड़ा सा दिसंबर के अकॉर्डिंगली कम है, लेकिन एनुअली काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। अब एक चीज़ बता दूँ, स्टॉक पी 44 है, इंडस्ट्री पी 33 है एंड ROC ROE काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो अभी आपको ज़्यादा कुछ हाई वैल्यू पे नहीं, हाई वॉल्यूम पे नहीं मिल रहा है, मतलब ओवर वैल्यू पे नहीं मिल रहा है, आप ये कह सकते हो, तो आप इसको अभी डायलर पे लेकर चल सकते हो एंड कंपनी 1988 में इनकॉर्पोरेटेड होती है, ठीक है। तो आप इस स्टॉक को थोड़ा सा डाल लेवल पर लेकर चलिए। चलिए गाइस, बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में जिसका नाम है एथर इंडस्ट्रीज। एथर की बात करें तो आज के दिन इसके अंदर बहुत तगड़े आप कह सकते हो गिरावट देखने को मिली है। गाइस, गिरावट का रीज़न देखिए, मार्केट है बहुत ज़्यादा बजट के बाद फ्लक्चुएटेड देखने को मिली है और हमारी जो मार्केट थी आज के दिन गैप डाउन ओपन होते हुए देखने को मिली थी। आपने देखा होगा गैप डाउन ओपनिंग हुई है निफ्टी 50 की आज के दिन, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, ज़्यादातर ग्रोथ ना हमें जो स्मॉल कैप मिड कैप वाली कंपनीज उसमें देखने को मिली है रैदर दैन लार्ज कैप कंपनीज है। अगर आप देखोगे तो इसने मैक्सिमम 2022 में आई है और अब तक इसका चार्ट पीरियड आप देख सकते हो कैसा देखने को मिलता है, ऐसे इसका चार्ट पीरियड देखने को मिल रहा है एंड इसने 17% का रिटर्न दिया। गाइस,
1108 इसका हाई है अगर आप देखेंगे, और 761 इसका लो है, और अभी ये आपको 909 पे मतलब बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रही है, आप ये कह सकते हो। गाइज इसके बारे में बता दूँ, एक साल में इसमें 15% तक की गिरावट आ चुकी है। एंड इसमें भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 81% देखने को मिलती है, FI की होल्डिंग 2.9 की बढ़ गई है, DIN अपने होल्डिंग को ट्रिम करा है, एंड पब्लिक से भी माल छीना गया है। ठीक है गाइज, अगर देखोगे रिजर्व तो काफ़ी ज़्यादा है जिसमें बोरिंग बहुत कम है, एक बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्वार्टरली नंबर्स के अगर इसके बारे में बात करें ना तो एनुअली तो नंबर इसके सेल्स काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है एनुअली एंड क्वार्टरली, बट हाँ प्रॉफिट एक्चुअल में सेम देखने को मिला है, जो पिछले साल 30 था तो अभी भी 30 ही देखने को मिला है। एंड अभी जो नंबर आएंगे उस पर थोड़ा सा डाला पर लेकर चलिएगा, इसका स्टॉक भी 122 है, इंडस्ट्री पे देखोगे तो उसका 41 मीन्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड पे आपको देखने को मिल रही है, एंड इसके ROC ROE काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ये 2013 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। अब कंपनी के बारे में मोटा मोटा जान लो कि केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, किससे सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, केमिकल सेक्टर से। गैस ये एक स्पेशलिस्ट केमिकल कंपनी है जो हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स और एडवांस इंटरमीडिएट बनाती है। ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस करती है, ठीक है, ये मार्केट सेगमेंट के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। गैस मैं तब बता दूँ कि फ्यूचर ग्रोथ के अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि जो स्पेशल केमिकल की डिमांड है जो बढ़ रही है ड्यू टू वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की वजह से, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, मटेरियल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूडेड है। गाइस कंपनी की कंटिन्यूस इनोवेशन और R&D एफर्ट से फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। कस्टमाइज सॉल्यूशंस भी हैं इनके पास, एंड अथर इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रही है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ और भी ज़्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ सकता है। तो गाइस आने वाला फ्यूचर तो अथर कंपनी का काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो आप थोड़ा सा इसको डाल अब लेकर चल सकते हो। पता क्या है गाइस, ये जितने भी प्रमोटर्स हैं ये आपको इस प्राइस पे तो नहीं बेचेंगे, अगर इनको अपनी होल्डिंग कम करनी है तो अपने इस प्राइस पे नहीं बेचेंगे, इसको बढ़ाएंगे देन उस पे अपनी ये होल्डिंग को कम करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि इसको थोड़ा सा रेडा लेवल पे लेकर चलेगा, क्योंकि अभी जिस प्राइस पे मिल रही है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी ये एज ऑलवेज आई सेड, खुद से स्टडी करें, चेक करें, देन इन्वेस्ट करें। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।